ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अजिता और आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते 5 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में शातिर बदमाश मोनू पीटीएस शामिल है, जिसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक विभिन्न थानों में संगीन अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल को मुखबिर से सूचना मिली कि अर्जुन नगर के ग्राउंड के पास सुनसान जगह में 4-5 व्यक्ति घातक हथियार लेकर एकत्रित होकर बैठे हैं, जो किसी गंभीर घटना को घटित करने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस ने ग्राउंड में चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया, जहां से आपस में धीरे धीरे बात करने की आवाज सुनाई दी। बदमाश आपस में बात कर रहे थे कि थोड़ा समय और बीत जाए तो आज किसी सिंधी के घर पीटीएस वाले पेट्रोल पंप में डकैती डालते हैं। पुलिस बल एवं गवाहों की मदद से उक्त लोगों को घेराबंदी की गई तो वह छिपने एवं भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घातक हथियार सहित पकड़ लिया गया। उक्त आरोपियों से घातक हथियार रखने एवं वहां पर एकत्रित होने के संबंध में पूछताछ की गई तो कोई कारण नहीं बता पाए। उन्हें पकड़कर थाना लाया गया और आरोपियों के विरुद्ध थाना अमहिया में प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया गया है। ये अर्जुन नगर में ग्राउंड है, वहाँ पर ये लोग योजना बना रहे थे और इनके पास से कई सारे धारदार हथियार, एक तलवार, बका ये भी बरामद किए गए हैं। ये पूर्व में भी आरोपी रह चुके हैं। इनके नाम है मोनू सिंह पीटीएस है, अरुण तिवारी है, विजय मझियार हैं और राहुल गोस्वामी है, जिनमें कि एक लड़का नाबालिग है जो 17 साल का है, उनको पकड़ा गया है। ये किसी पेट्रोल पंप को लूट करने की योजना बना रहे थे। हाँ, इनसे एक तलवार बरामद हुई है, एक बका बरामद हुआ है, इसके अलावा कुछ और चाकू भी बरामद हुआ है। देखते रहिए तमाम बड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।